Last time we have discussed about how to multiply the two matrices. And it is very important to understand few of properties which are related to the multiplication. Multiply aap karte ho, uske saath kuch properties bhi chudi. It is important to understand those properties. Isme aap samajh pa rahe hain? Multiply to aage aapko karna, par kuch kuch properties hai jo ki follow up karna zaruri hai. Properties are kind of useful. Jaise humne addition mein padha tha, commutative, associative, theek hai, is tarike ki padhi thi. Isi tarike se anti parallel properties of matrix multiplication. बहुत इजी प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनो मेरे को, इजी भी समझना है. ओके, तो सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये लिखो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं a into b करूंगा और b into a करूंगा तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे. दे आर नॉट इक्वल. आई कैन राइट ए बी इज नॉट इक्वल टू. इस तरीके का हमने एक क्वेश्चन भी किया है, जबकि हमने एडिशन में ये पढ़ा था चाहे a प्लस बी करो या b प्लस a करो दे आर सेम. A into B or B into A is not same. Generally, mathematics 3 into 4 and 4 into 3 are same, 12. But in this case, it is not same. I think you are clear. ठीक है. आगे चलें. दूसरी property देखो. Matrix multiplication is associative. It is associative. क्या मतलब होता है कि जैसे ही मान लो A, B, C किया तो हम उसको A, B, C भी कर सकते हैं. जैसे कि अभी हमने किया था एक क्वेश्चन, अभी तीन सबसे पहले क्वेश्चन किया थे. नेक्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अंदर तीन मैट्रिक्स देंगे. उस तीन मैट्रिक्स में यू कैन टेक एनी टू मैट्रिक्स. ऐसा नहीं कि सर पहले दो मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दूसरे, आप दोनों मैट्रिक्स शुरू में भी मल्टीप्लाई करना, मैं आपके लिए दोनों को करूँगा नेक्स्ट मॉड्यूल. तो आप देख सकते हो उस क्वेश्चन में इट इज एसोसिएटिव. बात समझ में आ रही है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? यू कैन ओपन द ब्रैकेट. यू कैन ओपन द ब्रैकेट. जैसे आपको अलजेब्रा में सिखाया गया, मान लो एक मैट्रिक्स ए है जो बी प्लस सी के साथ होगा, यू कैन से ए बी प्लस एक्स. चाहे इसको सॉल्व करोगे या इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर. You will get the same answer. Okay, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो और a plus b c, a c plus b c. तो इसको कहते हैं distributive. क्या बोलते हैं इसको? Distributive. अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो चीज को मल्टीप्लाई कर दो तो हम कहते हैं कि किसी एक को जीरो ना हो. भाई थ्री इंटू जीरो जीरो, एक एलिमेंट तो जीरो हो रहा है, पर वो ये कहना चाहता है कि इफ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, अगर तुम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए इंटू बी, तो तुम्हारा नल मैट्रिक्स आ सकता है. नल मैट्रिक्स कैन कम इवन ईदर ऑफ देम, ईदर मैट्रिक्स इज नॉट. क्या पता दोनों मैट्रिक्स नल नहीं है, फिर भी दिस इज अ केस कि व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स दैट वी विल गेट सी. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स. समझ पाया? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं. किसी को भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, if we multiply any matrix with the identity matrix we will get same matrix A. और इसको तुम AID कर सकते हो. ठीक है, AID कर सकते हो. नीचे लिखो एक और मैट्रिक, इसमें लिखो नोट. If AB is equal to 0
जीरो मतलब क्या है, ये नल मैट्रिक्स है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. अगर ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो बी ए भी नल मैट्रिक्स है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई होप यू आर क्लियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स. बोलो. Sure. Yes, sir. Okay. So now today's lecture is over. We have the properties of the multiplication, few questions, and you can do some more questions from the book. Let me know tomorrow. तो उससे क्या questions करके आते हो? Book खोलो, questions करो, बताओ कि कौन-कौन सा part cover होना चाहिए. That you have. Okay. So कल मिलते हैं. This energy only. And we will learn the subtraction of matrices and transpose of matrices. ठीक है? और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनाते हैं. Skew matrix हो गया. So अब this chapter is going to about to finish in like 1 or 2 days maximum. So ठीक है फिर समझ पाएंगे. Thank you so much.